हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे वाले दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देश के सीआरपीएफ काफिले पर काफी बड़ा हमला हुआ था। इस कायराना हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए। बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है और एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड क्वीन कंगना ने भी एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। बता दें कि कंगना ने कहा है कि पुलवामा हमला हम पर हुआ है, जवानों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। इस समय जो भी देशवासी ये सोच रहे हैं कि शहीद परिवारों पर श्रद्धांजलि देकर एहसान कर रहे हैं, तो उन्हें समझना होगा कि ये हमला हम सब पर हुआ है। ये जो गुस्सा है वो जायज है। इस समय हमें कुछ अहम करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगी कि वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश के उस हिस्से में लोगों को ठीक से पता ही नहीं है कि वो किस देश से संबंध रखते हैं। इस समय पूरे देश को एक होना चाहिए। तो देखा आपने, इस हमले की वजह से कंगना काफी गुस्से में है और इसी वजह से उन्होंने मोदी से अपील की है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कंगना का गुस्सा यूं फूटा हो। हाल ही में कंगना ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका को लेकर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पर निशाना साधा था और उनकी जमकर लताड़ लगाई थी। अब जाहिर है, जब अपनी फिल्म के लिए उन्होंने पूरे बॉलीवुड को अपने निशाने पर रख दिया तो ये तो काफी बड़ी बात है। ऐसे में कंगना भला चुप कैसे बैठती। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने पाक स्टार्स के बैन होने पर भी काफी कुछ कहा है। कंगना का कहना है कि हमारे जवानों को चोट पहुंची है। हर चीज का एक धर्म होता है, युद्ध का भी एक धर्म होता है और इस धर्म में हम अपने देश के साथ हैं। अब कंगना ने ऐसा क्यों कहा, ये तो आप जानते ही होंगे कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने अब पूरी तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने से मना कर दिया है। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कंगना के इस अपील की पीएम मोदी की तरफ से सुनवाई होती है या नहीं। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियाँ बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes. This is not right. This is really, really sad. Thank you. अभी हुआ है। इससे बुरा लगता है जब violence होता है और हमारे जवानों का जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने भी मुझे खबर दिया है, तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला था, मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन, या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू। हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज यू नो कि मैं, हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। आई एम अ हार्ट एट हार्ट, आई हैव गॉट महेश भट्ट ब्लड फ्लोइंग थ्रू माय वेन्स एंड बोथ ऑफ अस डू नॉट शाय अवे फ्रॉम ट्रूथ।
अनकंफर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूंगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि व्हेन लाइव्स आर एट स्टेक एंड वी टॉकिंग अबाउट आवर जवान्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, यू गॉट टू थिंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर यू जस्ट यूज दीज प्लेटफॉर्म्स टू मेक कॉमेंट्स. दैट्स इट. थैंक यू. She's very, unless until I know about it, as Pujadi says, I follow her. So once I get to know about it, I will make it come along. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी. ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई. सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करूंगा. कंगना, यू नो बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स हैं वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर करते रहेगा, अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी, एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक परहैप्स यू नो समवन इज हाई प्रमोटेड मनी करने का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा, आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है. तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई. सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ. मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए. आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है. और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी, है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच. तो कब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म तो सबसे ज़्यादा कहीं कुछ छूट गया, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है जो देखिए, जो हमारे फिल्म जो शो बिजनेस होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है, ऐसा तो जो फिल्म में चाहे कंट्रोवर्सीज ले लीजिए या फिल्म में लेकर जो विवाद ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी छूटा है. हमारी फिल्म जो है पर्दे पर है, थिएटर्स में है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ छूटा हुआ है. और ना ही किसी तरह का कोई जिस तरह से, या तो आप ये नहीं कह सकते कि लीगली हम लोगों ने वी हैव टेकन एनी लिबर्टीज ऑफ पोर्ट्रेइंग हिस्ट्री, क्योंकि हमेशा जो भी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं उनको इतना गलत तरीके से दिखाते हैं सबको, कि आधे से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, या उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं दिखाया उनको, या किसी ना किसी तरीके से सेंसेशनलाइज करके उनको भुनाया, या अलग तरह से पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया. हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है. जैसे आप देख रहे हैं जो भी कम्युनिटीज़ हैं
सब बहुत खुश हैं। हमारी जो झांसी की से जो भी उमा भारती जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है फिल्म को लेके, एक पत्र लिखा है इसको टेक्स्ट फिल्म बनाने के लिए। तो इस तरह से जो जिस दायित्व से हमने काम किया, जिस जिम्मेदारी से हमने काम किया है, उस जिम्मेदारी से ही हमें इज्जत भी मिल रही है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है रानी झांसी पर फिल्म बनाना, क्योंकि ये फिल्म जो है पब्लिक डोमेन में है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की कहानी है, मेरे किसी दोस्त की कहानी है और मैंने जैसे तैसे बना ली। ये फिल्म 130 करोड़ भारतीयों को बिलोंग करती है। आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं आप पे केस करता हूँ, इस तरह का कुछ हो नहीं रहे, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। बाकी कुछ लोग जो हैं, जब किसी को सफलता मिलती है तो जलने वाले तो आपके पड़ोस में भी चार होंगे, तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो उनको ना ध्यान देकर, जो हमारे लिए जो इस वक्त जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देकर इस फिल्म को हमारी जो जनरेशन है उस तक पहुंचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, लेकिन फिल्म की कास्ट ही इस पे विरोध कर रही है। देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती प्ले जाए तो क्रिश को लिया जाए, मतलब उनका मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था, तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो जिन लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था, तो वो ही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करें। फैशन जैसी फिल्में करती थी तो बच्चों को देखने नहीं मिलती थी मेरी फिल्में, ज़्यादा करके कुछ ड्रग एडिक्ट या साइको या कुछ ऐसे ऐसी फिल्में हुआ करती थी। बट मैं हमेशा से ही मेरा ये सपना था, जब मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ तो मैं चिल्ड्रन ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म डायरेक्ट करूँ, और इस फिल्म के साथ में मेरा वो सपना पूरा हुआ है। और जितना आप लोगों से प्यार मिल रहा है फिल्म को और जितना प्रोत्साहन मिल रहा है हमारी टीम के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और सो ऑल द टीचर्स जो बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, हम लोगों को भी फिल्में दिखाने जब लेके जाते थे, हम लोग जब स्कूल में थे तो एक हमारी कोई ना कोई या तो वार्डन मैम होती थी या तो बहुत ही स्वीट टीचर होती थी जिनको ये आइडिया आता था बच्चों को फिल्म दिखाने। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल हु आर कमिंग अप विद दीज आइडियाज टू यू नो टू शो चिल्ड्रन दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में जो एक पेट्रियटिज्म है, इस फिल्म में जो एक देश को लेके भक्ति है या जो भाव है, वो आई थिंक हमारे बचपन में हमने भी देखा है, और वही देख के आज हम लोग वी आर एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट, कि हमने अपने बचपन में जो देखा है जो सीखा है। तो ये हम लोगों को जिन्होंने हमें वो तोहफे दिए थे, ये हमारी तरफ से आप बच्चों के लिए ये तोहफे हैं, क्योंकि जिस इंसान का जो बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जो अपने अपनों को लेके गर्वित होता है, उनके साथ में सहयोग रखता है, उनके साथ में एकता की भावना रखता है, वो इंसान का चरित्र है बहुत मजबूत हो जाता है। जिसका चरित्र बहुत मजबूत होता है उसे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता।